हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने मटर की सब्जी। ये मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पे बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 कप मुझे मखाने, हाफ बॉइल्ड मटर, हाफ कप चाहिए बॉइल्ड मटर, चॉप किया हुआ धनिया, कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, लौंग है, छोटी इलायची, जीरा, 10 से 12 काजू, 3 से 4 चम्मच फ्रेश मलाई है, और ये मोटे मोटे मैंने चॉप किए हुए हैं मेरे टमाटो 4 से 5, 2 मेरी हरी मिर्च है और थोड़ा सा मेरे अदरक का टुकड़ा है, मैंने इसको चॉप कर लिया मोटा मोटा, और मेरे मसाले हैं ये रिफाइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस, इसमें मैं देखिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल लिया है, ये देखिए गाइस बटर मैंने डाल लिया है। अब बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा से बटर मेल्ट होने के बाद में हम ये रोस्टेड करेंगे, हम अपने मखाने मखानों को हम रोस्टेड करेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, मैं अपने मखाने डाल लेते हैं। मखाने हम रोस्टेड करेंगे, जब तक रोस्टेड करेंगे थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए, बहुत टेस्टी बनती है वेजिटेबल। इसको लगातार चलाते रहिएगा जिससे कि लाल ना होने पाए, बिल्कुल आपने रेड या ब्राउन नहीं करने, आपने हल्का सा रोस्टेड करने है इसको। इसे लगातार चलाते रहिएगा, इसको क्रिस्पी होने तक आपने करना है। गाइस देखिए क्रिस्पी हो गए, देखिए अब इसको हम फ्लेम को बंद कर। गाइस ये देखिए, अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, रिफाइंड डाल दूंगी, और इसको मैं गरम कर लूंगी। गाइस ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, वन टीस्पून जीरा, और अपने ये खड़े मसाले रोस्टेड कर लूंगी मैं। अच्छे से वो रोस्टेड हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी अपने कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। इसमें मैं डाल दूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ टी स्पून हरी मिर्च क्योंकि हमने हरी लाल मिर्च हरी मिर्च भी डाली है हमने, और साथ में मैं डालूंगी मैगी मसाला, इसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा। हाफ टी स्पून मैं हल्दी डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिला लूंगी मसालों को। इसको मैं ढक के पका लूंगी टमाटो को अच्छे से, फिर हम इसकी प्योरी बनाएंगे। देख लेते हैं
टमाटर गल चुके हैं हमारे बिल्कुल। टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको टमाटर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद में हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम इसको पहले मैं ठंडा कर लेती हूँ। गाइस ये देखिए मसाला मेरा ठंडा हो गया है, अब मैं मसाला पीसूंगी और मसाले में ही मैं ये जो काजू है, काजू और टमाटर वाली प्यूरी जो है इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। जितना भी इसमें मसाला लगा हुआ है वो सब अच्छे से इसको बॉईल आने दूंगी। इसको एक बॉईल आने के लिए छोड़ दूंगी। पहले मैं ऐसे मैं टमाटर को पका चुकी हूँ तो इतना टाइम नहीं लगेगा, एक बॉईल आने दूंगी इसको मैं। इसमें बॉईल आना शुरू हो गया, अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई के डाल दूंगी। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने मलाई डाल दी है, 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई डाल दी है। इसे मिला लूंगी मैं। एक से दो बॉईल आने दूंगी इसको मैं, बॉईल आने के लिए छोड़ दूंगी मैं अब इसको। वैसे देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया, अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी, अपने बॉईल किए हुए मटर डाल दूंगी। मटर पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही मैंने इसको बॉईल कर रखा था मटर को। गाइस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बन चुकी है हमारी ये भी, अब इसमें मैं डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी अपने मखाने। जो मैंने रोस्टेड करे हुए मखाने थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। मैं इसको अच्छी तरह कवर कर लूंगी इससे। बस गाइस एक बॉईल आने दूंगी मैं इसको और रेडी है मेरी मटर मखाने की सब्जी। गाइस रेडी है मेरी सब्जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। फ्लेम को बंद कर लेते हैं।
तो गाइस रेडी है मेरी मटर मखाने की सब्जी। इसको आप नान के साथ में, लच्छा परांठा के साथ में और चपाती के साथ एंजॉय कीजिएगा। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।